दोस्तों हाल ही में नाग मिसाइल को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था और इस कंट्रोवर्सी के पीछे हाल ही का नाग मिसाइल का मैन पोर्टेबल वर्जन का टेस्ट था। जबकि टेस्ट के बाद जब स्पाइक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया तो इजरायली कंपनी रफेल के तरफ से DRDO के ऊपर तंत्र कसते हुए नाग मिसाइल को कम कारगर मिसाइल बताया गया। पर असलियत है क्या, नाग मिसाइल में कितना क्षमता है? DRDO द्वारा बनाया हुआ ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल क्या सच में दुनिया के बाकी बेहतरीन मिसाइलों को काउंटर कर सकता है? तो दोस्तों मैं हूं अनु और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं नाग मिसाइल के बारे में डिटेल में। दोस्तों DRDO का बनाया हुआ नाग मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कई माइलों की दूरी से दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर सकता है। दुनिया का एक बेहतरीन मिसाइल का कैटेगरी में शामिल होने वाला नाग मिसाइल दिन और रात दोनों ही समय में आसानी से दागा जा सकता है और आसानी से अपने टारगेटों को भी भेद कर सकता है। जबकि इन मिसाइलों का टोटल 4 अलग अलग वेरियंट है जिसे हवा और जमीन दोनों जगह से ही ऑपरेट किया जा सकता है। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत बनाया गया है जिसमें नाग मिसाइल के अलावा और 4 मिसाइल शामिल था, जैसे कि आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल। आज मैं आप लोगों को नाग मिसाइल के ऐसे कुछ खूबियों के बारे में बताऊंगा जिसे जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। रेंज को देखें तो एक नाग मिसाइल के निम्नतम रेंज 500 मीटर है जबकि मैक्सिमम 20 किलोमीटर के दूरी तक ये मिसाइल किसी भी टैंक को ध्वस्त कर सकता है। पर ये रेंज डिपेंड करता है इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म को लेके। इस मिसाइल के अधिकतम रफ्तार 230 मीटर पर सेकेंड मतलब 828 किलोमीटर पर आवर है। नाग मिसाइल का जो 4 वेरिएंट है उसमें सबसे पहला नाम आता है नाग मिसाइल का बेसिक वेरिएंट जिसे हम प्रोस्पिना के नाम से भी जानते हैं। ये असल में इन्फेंट्री ट्रूप्स के लिए डेवलप किया गया एक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका रेंज करीबन 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है एक ट्रैकर कम लॉन्चर व्हीकल से जिसे नाग मिसाइल कैरियर भी बोला जाता है। नाग मिसाइल कैरियर असल में लाइट इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 के बेस पे बनाया गया है। इस मिसाइल में दुश्मन के टारगेट मतलब दुश्मन के टैंक को डिटेक्ट करने के लिए एक ट्रैकर और रडार का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि लॉन्चर में 6 मिसाइल को एक साथ रखा जा सकता है और ये लॉन्चर 1 मिनट में 4 मिसाइलों को भी दाग सकता है। दूसरा वेरिएंट है हेलिना मिसाइल या फिर एयर लॉन्च नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका रेंज करीबन 7 से 10 किलोमीटर है और इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में और लॉन्च करने के लिए रुद्रास्त्र नामक ट्विन लॉन्चर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इन मिसाइलों को इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए ही बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा। तीसरा वेरिएंट है हेलिना स्टंट या फिर एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका रेंज करीबन 15 से 20 किलोमीटर है। इसे एक्सटेंडेड रेंज हेलिना मिसाइल या फिर अपग्रेडेड थर्ड जनरेशन एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी बोला जाता है। दोस्तों इन मिसाइलों को भी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाना है और इन मिसाइलों में रेंज को एक्सटेंड करने के अलावा मिसाइलों के आगे टारगेट सीकर्स को भी लगाया गया है जिसके द्वारा हेलीकॉप्टर दुश्मन के फायर से बाहर रह के ही टैंकों के ऊपर आसानी से हमला बोल सकता है। और चौथा वर्जन है नाग मिसाइल का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका रेंज मैक्सिमम 2.5 किलोमीटर है। इस मिसाइल को भी इन्फेंट्री के लिए बनाया गया है जबकि ये एक शोल्डर फायर मिसाइल है और वजन में काफी हल्का मिसाइल है। इसका अधिकतम वजन करीबन 14.5 किलोग्राम है जबकि ये कंधे पे रख के एक आदमी के द्वारा ही फायर किया जा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि एक नाग मिसाइल कैसे काम करता है। नाग मिसाइल एक फायर एंड फॉरवर्ड मिसाइल है जिसे लॉन्च करने से पहले टारगेट को लॉक करना जरूरी है। नाग मिसाइल को लॉन्च करने से पहले लॉन्चर में स्थित थर्मल इमेजिंग सिस्टम द्वारा टारगेट को लॉक करके टारगेट का एक थर्मल इमेज को मिसाइल में स्थित सीकर में भेजना पड़ता है। जबकि इसके बाद जब मिसाइल को फायर किया जाता है तो मिसाइल का सीकर इस इमेज का ही मदद से निशाने तक पहुंचता है। नाग मिसाइल में जो सीकर है वो कुछ कुछ समय के अंतराल में टारगेट को ट्रैक करते हुए टारगेट का एक इंफ्रारेड इमेज को तैयार करता है और अपना थर्मल इमेज के साथ कंपेयर करके टारगेट तक पहुंचता है। जबकि टारगेट अगर मूवेबल हो तो नाग मिसाइल में 4 फिन्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके द्वारा मिसाइल टारगेट तक अपना दिशा बदलते हुए भी जा सकता है। दोस्तों मिसाइल में जो एक्सप्लोजिव है वो असल में फ्रंट पार्ट में रहता है जबकि नाग मिसाइल में इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और फ्रंट पार्ट टैंक के ऊपर लगा हुआ एक्सप्लोजिव
एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर को भेजता है, जबकि अंदर में रहने वाला नाग मिसाइल का एक्सप्लोसिव टैंक के बाहरी परत को भेजते हुए टैंक को बर्बाद करता है। और असल में अगर देखे तो दुनिया के ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसी तेक्निक के इस्तेमाल करते हुए ही काम करता है। पर ऐसा क्यूँ है की नाग मिसाइल को दुनिया के बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में शामिल किया जाता है? नाग मिसाइल को अगर दुनिया के किसी और मिसाइल के साथ कंपेयर किया जाए तो ऐसा दुनिया में सिर्फ दो ही मिसाइल है, और उनमें से एक है अमेरिका का बनाया हुआ जैवलिन मिसाइल, जबकि दूसरा है इसराइल का बनाया हुआ स्पाइक मिसाइल। पर इन दोनों मिसाइलों के तुलना में नाग मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला इंफ्रारेड सीकर ज्यादा बेहतरीन और आधुनिक तकनीक का है, और इसे जैम किया जाना भी लगभग नामुमकिन है। इंडिजीनियस तकनीक से बनाया हुआ ये सीकर हाईटेक गाइडनेस सिस्टम के द्वारा ऑपरेट होता है, जिस वजह से इसे जाम करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, एक नाग मिसाइल का आकार को देखे तो ये करीबन 1.84 मीटर लंबा और 43 किलोग्राम वजनी है। इसका डायमीटर करीबन 200 सेंटीमीटर का है, जबकि मिसाइल को गाइड करने के लिए इसमें चार फिन्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक फिन्स का लंबाई करीबन 40 सेंटीमीटर है। और वही पे नाग मिसाइल का मैन पोर्टेबल वर्जन असल में 14.5 किलोग्राम का एक मिसाइल है, और ये नाग मिसाइल का बेसिक वर्जन से काफी ज्यादा छोटा और इसे आसानी से एक इंसान के कंधे पे रख के भी फायर किया जा सकता है। मिसाइल का टोटल तीन हिस्सा है, जिनमें से फ्रंट हिस्से में सीकर्स और ट्रैकर्स को लगाया जाता है, जबकि बीच वाले हिस्से में सेंसर्स और एक्सप्लोजिव को लगाया जाता है। पिछले वाले हिस्से में मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए बूस्टर और फ्यूल का इंतजाम है, जबकि पिछले वाले हिस्से में भी चार फिन्स लगाया गया है, जिससे मिसाइल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैन्यूवर कर पाए। और दोस्तों, इसी वजह से ही नाग मिसाइल को दुनिया के नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में शामिल किया जाता है, और इंडियन आर्मी जल्द ही इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक इंडियन आर्मी को अपना पहला नाग मिसाइल का डिलीवरी किया जाएगा, और ये मिसाइल कितना बेहतरीन है, और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने में ये इंडियन आर्मी को कितना मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सक्षम बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।